हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पैराग्लाइडिंग करते हुए एक महिला की कमर में लगी बेल्ट खुल गई और वो 250 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गई। इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पैराग्लाइडर के पायलट को अरेस्ट कर लिया है। वहीं महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। महिला की पहचान नव्या पत्नी पीसीआई मोहन के रूप में हुई है। वो शिल्पा बी रुंदवाना कॉलोनी जहीराबाद जिला सांगा रेड्डी तेलंगाना की रहने वाली थी। आपको बताएं हिमाचल के कुल्लू में वो पर्यटन के लिए अपने परिवार के साथ आई थी और इस घटना के बाद प्रशासन ने डोभी पैराग्लाइडिंग साइट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। पुलिस तो मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर ही रही है। इसके साथ ही मैजिस्ट्रेटियल जांच के भी आदेश दिए गए हैं। कुल्लू पुलिस के इंस्पेक्टर राजीव लखनपाल के मुताबिक ये हादसा सेफ्टी बेल्ट खुलने की वजह से हुआ है। संभावना है पायलट ने उड़ान भरने से पहले महिला की कमर पर ठीक से बेल्ट नहीं लगाया था। पुलिस के मुताबिक ऊंचाई पर जाने के बाद अचानक ये बेल्ट खुल गया और ये हादसा हो गया और इस मामले में कांगड़ा के रहने वाले पायलट राहुल सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है और इस मामले में पैराग्लाइडर के मालिक घनश्याम नेगी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के बाद पर्यटन विभाग ने भी अपने स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी है और जिला पर्यटन अधिकारी सुनैना शर्मा के मुताबिक जिस साइट से पैराग्लाइडर ने उड़ान भरी थी वो साइट वैध है और उस साइट के साथ पैराग्लाइडर का विभाग भी रजिस्ट्रेशन में है। इसी के साथ पैराग्लाइडर उड़ाने वाले पायलट राहुल को ट्रेनिंग के बाद ही लाइसेंस दिया गया है। बावजूद इसके मामले की गंभीरता को देखते हुए डोभी पैराग्लाइडिंग साइट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगले आदेश यानी जांच पूरी होने तक पैराग्लाइडिंग नहीं होने चाहिए। इस मामले में कुल्लू के उपायुक्त तोरुल एस रविश ने भी एक्शन लेते हुए मामले की मैजिस्ट्रेट से जांच करवाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने जांच की जिम्मेदारी एसडीएम कुल्लू को सौंपी है और बताया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।